लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ था और आज दोपहर 12 बजे तक स्पीकर के लिए नॉमिनेशन दाखिल किए जाएंगे। एनडीए आज अपना उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर सकती है। जो उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे एनडीए की तरफ से स्पीकर के लिए, फिर स्पीकर चुने जाएगा और उसके बाद तीसरे कार्यकाल के संसद सत्र की शुरुआत होगी। कल 280 नव निर्वाचितों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उसमें जो अब बच गए हैं उनके शपथ ग्रहण का समारोह आज होगा। कल प्रोटेम स्पीकर को भी शपथ दिलाई गई थी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा और अब उसके बाद 263 सांसद आज शपथ लेंगे। उसके बाद फिर स्पीकर के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया जाएगा। फिर आपको बता दें कि राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद संसद सत्र की शुरुआत होगी। तो संसद सत्र का आज है दूसरा दिन। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो है लोकसभा स्पीकर का चुनाव और 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे तक जो है स्पीकर के लिए नॉमिनेशन होना है। एनडीए आज जो है उम्मीदवार का नाम जो है घोषित करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि पहले सत्र का आज दूसरा दिन है और आपको बता दें कि 263 सांसद जो शपथ लेंगे। कल स्पीकर का चुनाव होगा। ओम बिरला ने पद छोड़ा है। आज नए स्पीकर का ऐलान होना संभव बताया जा रहा है। तो ये देखिए, हम तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि कैसे होता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, वो भी हम आपको बता दें। तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है और लोकसभा के सांसद सभापति और उपसभापति चुनते हैं। और एक दिन पहले उम्मीदवार को नॉमिनेशन करना होता है। सदन में चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। जीत के लिए सदन में मौजूद आधे से ज्यादा सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। कैसे होता है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, वो आपको बता रहे हैं। लोकसभा के सांसद सभापति और उपसभापति चुनते हैं। फिर एक दिन पहले उम्मीदवार को नॉमिनेशन करना होता है। सदन में चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। तो आज 12 बजे और उसके बाद 263 सांसद आज शपथ लेंगे। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे जिन्होंने उस अध्यक्षता पद से इस्तीफा भी दे दिया है और आपको ये अहम जानकारी बता रहे हैं। और केजरीवाल की जमानत पर आज आएगा फैसला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां दिल्ली हाईकोर्ट आज जमानत पर फैसला सुनाएगा। बताते चले कि ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो आज दोपहर 2:30 बजे हाईकोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आएगा। तो आज का दिन काफी खास हो जाता है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट आज जो है जमानत पर फैसला सुनाएगा और ट्रायल कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। आज दोपहर जो है 2:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। तो बता दें 20 तारीख को राउज एवेन्यू कोर्ट ने रात 8 बजे तिहाड़ जेल से रिहाई कर दी थी, यानी कि रिहा हो गए थे। उसके बाद से ईडी ने हाईकोर्ट जाकर रिहाई पर रोक लगा दी। ईडी ने कहा कि मुझे मौका नहीं मिला अपना पक्ष रखने के लिए। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक कार्रवाई हो रही है, जब तक सुनवाई हो रही है, तब तक फैसला नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से हाईकोर्ट की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की तरफ वकील रुक किए। अब ट्रायल कोर्ट के आदेश पर देखना होगा क्या 2:30 बजे हाईकोर्ट फैसला लेता है। और जयपुर से बड़ी जानकारी आपको बता दें। आपको बता दें कि आपातकाल की आज बरसी और भाजपा प्रदेश भर में काला दिवस मनाएगी। सभी जिलों में भाजपा संगोष्ठियां आयोजित करेगी। मंत्रियों के द्वारा कई जिलों में ड्यूटी लगा दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कई मंत्रियों को ड्यूटी पर लगा दिया है। जयपुर से बड़ी खबर, आपातकाल की बरसी आज मनाई जाएगी। कई मंत्रियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। भाजपा इसके लिए संगोष्ठियां आयोजित कर रही है। और जयपुर हेरिटेज के 6 कांग्रेस पार्षदों को पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया है। मेयर मुनेश गुर्जर से नाराजगी पर पार्टी को जानकारी ना देने पर यह नोटिस जारी किया गया है। तो नोटिस मिलने वाले कांग्रेस पार्षदों में मनोज मुदन और उत्तम शर्मा, दशरथ सिंह शेखावत, सरोज कंवर, सुनीता शेखावत और ज्योति चौहान हैं। इन पार्षदों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाने पर निलंबन की चेतावनी दी गई है। दरअसल कांग्रेस पार्षद मेयर मुनेश गुर्जर को बर्खास्त करने की मांग को लेकर के रविवार को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात की थी। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सीपी जोशी से, ये सभी पार्षद जो है
मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और जब सीपी जोशी से इन्होंने मुलाकात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया था और उन्होंने कहा था कि जो है अब सोचा जाएगा कि कैसे आगे इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करवानी है, क्योंकि लगातार अगर आपको बता दे तो मुनेश गुर्जर के लिए जो ये पार्षद है वो कई बार जो है कंप्लेन कर चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं और 6 कांग्रेसी पार्षदों पर अब जो है निलंबन की तलवार भी लटकती हुई दिख रही है। वहीं अब खबर जयपुर से है जहां 75 लाख के लूट की कहानी झूठी निकली है। पुलिस कमिश्नर ने न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा किया है। तो बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि मामले की गलत सूचना मिली थी और बेटे, भांजे और रिश्तेदार ने मिलकर के साजिश रची थी। तीनों ने रुपयों का बंटवारा कर लिया था और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी और पुलिस ने आपको बता दे कि लूट की जो पूरी रकम है वो भी बरामद कर ली है। पुलिस ने 2 घंटे में लूट कांड का खुलासा किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लूट की रकम बरामद कर ली है। यह अच्छी लाइफस्टाइल के लिए पूरी साजिश रची गई थी जिसका पर्दाफाश अब हो चुका है। मौजूद है हमारे साथ पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ। सर, सर क्या निकल करके सामने आया, क्या सूचना मिली थी, उसके बाद में क्या अब तक की पड़ताल में सामने है? हमारे पास सूचना आए थे कि विधायकपुरी थाने के क्षेत्र में एक गोपाल टावर में 4th फ्लोर में अपार्टमेंट से 3 बदमाश आके कुछ 75 लाख रुपए लूट करके लेके गए। इस सूचना पर पहुंचने पर तस्दीक से पाया गया कि इसमें कुछ संदिग्धता है, घटना पे कुछ संदिग्धता है, तो उसके और तस्दीक किया तब पता चला कि ये मामला बनावटी था। ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ ही नहीं। उधर जो रहने वाला जो बच्चा है उनके और इनका एक रिश्तेदार द्वारा ये पूरा ये कहानी बनाया था, ये घटनाक्रम बनाया था और उनका पूरा खुलासा और वेरीफाई हो गया और जो लूटा गया, सपोजिटली लूटा गया राशि वो भी वापस पहुंचा गया। कौन है करने वाला, साजिश को रचने वाला कौन है, कौन पकड़ा गया है और किस किस की मदद इसमें ली गई है सर आखिरकार? वो तो उनके परिवार के अंदर ही है, जो मकान मालिक का बेटा, उनका मामा का भाई का लड़का और उनका चाचा, ये सब इस कॉन्स्पिरेसी में, साजिश में इन्वॉल्व था। और उसका जो आलीशान लाइफस्टाइल है, किसका, ये जो बच्चों का, उनका लाइफस्टाइल चलाने हेतु ये पैसा इकट्ठा कर रहा था, तो उस दिशा में ये लोग आज अपने ही घर पे से पैसा चोरी करके दूसरे जगह रखा गया था। कितने लोग शामिल थे? चूंकि जो कारोबारी की बेटे ने सूचना दी थी कि 75 लाख रुपए लूटे हैं, 3 बदमाश आए थे, पिस्टल लगाई, गन पॉइंट पर लिया, बैग में पैसा भरा ले गए, तो क्या कारोबारी की बेटे ने क्या गलत सूचना दी थी इसमें? गलत सूचना दे दी है, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से स्पष्ट भी हो गया है जी। और कारोबारी की बेटे के अलावा इसमें कौन शामिल था, क्या उसका भांजे होने की भी बात सामने आ रही है? और दूसरी बात, क्या 75 लाख रुपए लूटे थे या कितने लाख रुपए की मतलब चुराने की बात सामने आई है? जो उन्होंने बताया गया, पुलिस को सूचना दिया गया, उसमें ये बताया गया कि 75 लाख रुपए लूटा गया है और जिस ट्रॉली बैग में लेकर जाना बताया गया वो ट्रॉली बैग विद टोटल लूटेड राशि भी बरामद हो चुका है। कहाँ रखा हुआ था रुपया और कहाँ से बरामद किया गया सर अभी तक, मतलब रिश्तेदारों को बीचों बीच में ही था। और जिन विधायकों की विचारधारा भाजपा से मेल नहीं खाती अब उनका पसंदीदा जगहों पर बने रहना मुश्किल हो सकता है। कई विधायकों ने उन कर्मचारियों की फेहरिस्त सीएम से लेकर मंत्रियों तक पहुंचाई है जिनकी पटरी विधायकों से मेल नहीं खा रही है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। नक्सलवादी का विचारधारा रखते, धर्मों को नहीं मानते, ऐसे लोगों को हम डिगाएंगे इधर उधर करेंगे। मंत्रियों से कह रहे हैं कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे हैं तो आप कम से कम उनको बदले। विधायकों और नेताओं के बयानों से इतना तो साफ है कि सरकार विरोधी या फिर सरकार से मेल ना खाने वाली विचारधारा रखने वाले कर्मचारियों को अब अपनी मानसिकता बदलनी होगी। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा ने तो मंत्री मदन दिलावर से लेकर सीएम भजन लाल तक अपनी फरियाद पहुंचा दी है। वहीं बिलाड़ा से विधायक अर्जुन लाल गर्ग ने तो कर्मचारियों को दो टूक नसीहत दी है कि या तो मानसिकता बदलो वरना हमारी सरकार उनको बदल डालेगी। कल सीएम साहब और हमारी बात हुई 15 मिनट, हमारे उस एरिया में जितने भी हैं माप में विचारधारा रखते हैं, नक्सलवादी का विचारधारा रखते हैं, धर्मों को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों को हम डिगाएंगे इधर उधर करेंगे। कोशिश तो हमने यही की है कि उनकी मानसिकता बदले,
लेकिन यदि मानसिकता नहीं बदली जाती है तो निश्चित रूप से उनको भी बदलना पड़ेगा। मंत्री से कह रहे हैं कि भाई हमारा काम नहीं हो रहा है तो आप कम से कम उनको बदलें। बीजेपी विधायक सचिवालय से लेकर मंत्रियों तक फरियाद लगा चुके हैं। कई बार फरियाद को सीधे सामने रखा गया है तो कई बार मेल किया गया है। जानकारों की माने तो उन कर्मचारियों की मांग की जा रही है जिनका ट्रांसफर कांग्रेस के राज में कर दिया गया था। शिक्षा विभाग में भी ऐसे व्यक्ति लगे और जहां भी स्कूलें खाली है उनके लिए ज्यादा मंत्री जी से लगाकर मुख्यमंत्री जी से ये मांग कर रहे हैं कि कई वर्षों से 5-7 से स्कूलें जो खाली पड़ी है प्रतिशत के हिसाब से पूरे राजस्थान में शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है उसको सुधार कर मंत्री जी से निवेदन किया है कि जहाँ जैसे 19-20% की कमी है तो पूरे राजस्थान में कमी रहनी चाहिए। ये तो कई जगह 30% भी शिक्षक लगे हुए नहीं है, कई जगह 130% लगे हुए हैं, उनका समावेश होना चाहिए। राजस्थान में करीब 8.5 लाख कर्मचारी हैं, इनमें से अकेले शिक्षा विभाग में ही 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग में तो तबादलों की कहीं सुगबुगाहट तक दिखाई नहीं दे रही। नया सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहीं भी तबादलों को लेकर हड़बड़ी नहीं दिखा रहे। हमारे एमएलए भी वह लाते हैं जनता के, इतना होता है तो उम्मीद करें इस बार तबादले होंगे जल्द शिक्षा विभाग में। तबादले सतत प्रक्रिया है और क्योंकि शिक्षा विभाग के तबादले खुले नहीं है, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ऑर्डर देंगे तो करेंगे। बहरहाल तबादलों की चिंता कर्मचारियों को बेचैन किए जा रही है तो विधायकों को परेशान। विधानसभा का बजट सत्र सामने है, ऐसे में सरकार कितने विधायकों की मांगे पूरी कर पाएगी ये तो देखना बाकी है। मगर तबादले नहीं हुए तो फिर यकीन मानिएगा कि सरकार विरोधी लहर भी पनप सकती है। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और अब बात दिल्ली से बड़ी खबर की कर लेते हैं कि दिल्ली के जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ गई है क्योंकि लगातार अनशन पर बैठी हुई है। देर रात आतिशी को अस्पताल में भी भर्ती करवा दिया गया है। तो पिछले 4 दिन से जल सत्याग्रह पर आतिशी थी। आपको बता दें कि पानी की किल्लत को लेकर के सत्याग्रह कर रही थी और तबीयत बिगड़ने पर आतिशी को अस्पताल ले जाया गया है। आतिशी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा गिर गया है ये कहा गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आपको बता दें लगातार जो है आतिशी की तबीयत बिगड़ती हुई दिखी थी। कल भी ये खबरें सामने आई थी कि उनका 2 किलो वेट जो है वो भी गिर गया है और कल ही उनकी तबीयत जो है नाजुक बनी हुई थी। आपको बता दें कि देर रात आतिशी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी जहां पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की जो तबीयत है वो बिगड़ गई है। पिछले 4 दिन से जल सत्याग्रह पर जो है वो आतिशी थी और पानी की किल्लत को लेकर के लगातार जो है उनके तरफ से कई तरीके की बातें भी कही गई और सत्याग्रह वो कर रही थी। जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको अस्पताल ले जाया गया है और आतिशी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा गिर गया है ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें कि जो आतिशी की तबीयत है कल ही नाजुक बनी हुई थी क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, इस वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और कल जो है देर रात जो है आतिशी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, इस वजह से उनको अस्पताल ले जाया गया। और राजधानी जयपुर में पहली बार डिजिटल अरेस्ट कर लाखों रुपए की साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें साइबर ठगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महिला मैनेजर को 5 घंटे वीडियो कॉल कर डिजिटल अरेस्ट कर रखा और उसे धमकाकर 17 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अपने खाते में करवा लिया। कैसे होता है ये डिजिटल अरेस्ट और किन लोगों को इसमें निशाना बनाया जाता है, इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। हेलो, मुंबई पुलिस से बोल रहे हैं। आपके नाम से नया सिम चल रहा है, अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। 20 लाख ट्रांसफर करो नहीं तो FIR होगी। CBI आएगी, पूछताछ करेगी, केस होगा। जी हाँ, इसे ही कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। और इसमें फंसते हैं पढ़े लिखे अफसर ग्रेड के लोग। जयपुर की एक बैंक मैनेजर को भी साइबर ठगों ने
डिजिटल अरेस्ट करके तकरीबन 17 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। डिजिटल अरेस्ट की शिकार महिला बैंक मैनेजर जयपुर के महेश नगर इलाके में रहती है और साइबर ठगों ने उसको इतना डराया धमकाया कि कई घंटे उसने खुद को एक कमरे में बंद करके रखा। डिजिटल अरेस्ट का खतरनाक खेल। 20 जून को महिला बैंक मैनेजर को कॉल आया, खुद को अधिकारी बताकर कॉल किया गया, उसके नाम से सिम जारी होने की सूचना दी गई, अनैतिक गतिविधियां होने की जानकारी दी गई, महिला को डराकर 5 घंटे कमरे में रखा गया, मोबाइल में स्काइप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया गया, वेरिफिकेशन करवाकर 20 लाख की डिमांड की गई। साइबर ठग ने अपना नाम राजीव बताते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का प्रतिनिधि बताया। महिला बैंक मैनेजर ने जब इससे इनकार किया तो ठग ने मुंबई पुलिस के एक अफसर से बात करवाने के बहाने कॉल को ट्रांसफर कर दिया और कॉल रिसीव करने वाले ठग ने खुद को विनय खन्ना बताकर फोन काट दिया। इसके बाद तुरंत ही एक और कॉल दूसरे नंबर से महिला के मोबाइल पर आया और फिर महिला को इतना डराया गया कि वो लोग जैसा कहते गए महिला वैसा करती गई। तकरीबन 5 घंटे तक महिला ने खुद को कमरे में बंद रखा। पहले FD तुड़वाती, फिर म्यूचुअल फंड भी बंद करवा रही थी। इस बीच घर वालों ने टोका तो बताया कि CBI वाले कुछ पूछताछ कर रहे हैं। इस तरह वापस वो कमरे में बंद हुई। साइबर ठगों ने पीड़िता को डरा धमका करके 20 लाख रुपए रिजर्व बैंक में वेरिफिकेशन के बहाने उनके खातों में ट्रांसफर करने के लिए कहा और ऐसा नहीं करने पर केस करने की धमकी दी। इसके बाद महिला बैंक मैनेजर ने डर करके 17 लाख रुपए उनके खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके लिए बाकायदा महिला बैंक मैनेजर की तरफ से FD तुड़वाई गई और इसकी जानकारी परिजनों को तब लगी जब पुलिस को इसकी शिकायत की गई और जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर ठगी का मुकदमा दर्ज किया। इतना कुछ होने के बाद भी आखिरकार परिजनों ने उसको संभाला, तब हिम्मत करके महिला बैंक मैनेजर पुलिस तक पहुंची। अब पुलिस फोन नंबरों के आधार पर मामले की जांच में जुटी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जब पढ़े लिखे अफसर ग्रेड के लोग इसमें फंस जाते हैं तो आपको इससे आखिर कैसे बचना होगा, साइबर अरेस्ट से कैसे बचे। कोई भी जाँच एजेंसी कॉल करके धमकी नहीं देगी। अगर ऐसा कॉल आए तो पहले पुलिस को सूचना दे, कोई CBI ED का अधिकारी बताए तो सवाल करे, उस एजेंसी के नंबर पर कॉल करके जानकारी दे, कोई भी रुपयों का लेन देन बिल्कुल भी ना करे, अपनी निजी जानकारी बिल्कुल भी शेयर ना करे। साइबर फ्रॉड हो तो 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करे। फिलहाल ऐसे समय में आपकी समझदारी ही आपको बड़े फ्रॉड से बचा सकती है। बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि आपके डर का ही साइबर फ्रॉड फायदा उठाते हैं और आप उनके चंगुल में फंसते चले जाते हैं। जयपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।